ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है, उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं ये कानून की नजरों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस, पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है, 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है, तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का, ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको, केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है।